अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है उरूसा सिद्दीकी एंड यू आर वाचिंग आई एम उरूसा सिद्दीकी ऑन यूट्यूब। और आज के इस एपिसोड का फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट है। दिस इज़ गोइंग टू बी एन इंटरव्यू बेस्ड फॉर्मेट, जो ऐसे पहले कभी नहीं किया। मैं हमेशा एज अ गेस्ट आती रही हूँ इंटरव्यूज़ में, बट दिस इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट टाइम जब मैं होस्ट होंगी। तो आज मैं इंटरव्यू कर रही हूँ अपनी मम्मा की। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा महसूस कर रही हैं आप कि मैं पहली दफ़ा अपना इंटरव्यू कर रही हूँ मैं किसी का, और वो है आप? क्योंकि इनके बगैर तो इंटरव्यू की ये जर्नी शुरू नहीं हो सकती थी, क्योंकि शी वॉन्टेड। आपने मुझे नैपा क्यों भेजा? तुम्हारा बीकॉम का एक पेपर ख़त्म हुआ तो उस ज़माने में अखबार में वो एड आ रहा था, नैपा का एक इदारा खुल रहा है जिसको हेड कर रहे हैं मरहूम ज़िया मोहिद्दीन साहब। तो मैंने कहा चलो अभी 8-9 महीने 10 महीने बाद तो रिज़ल्ट आता है, फिर अगर MBA की क्लास होगी तो कुछ महीने और गुजर जाएंगे, लगभग 12 महीने तो हो ही जाएंगे। तो मैंने कहा मैं तो घर में तुम लोगों को बैठा के रखती नहीं थी, तो मैंने कहा चलो चल के देखते हैं, कुछ अच्छा ही समझा रहे होंगे। आपने अखबार में सिर्फ सुना था कि परफॉर्मिंग आर्ट्स है? तफसील नहीं थी। अच्छा, तो वहाँ के जो वो थे साहब जो हमें वो कर रहे थे, क्या कह रहे थे, कोऑर्डिनेटर, जो हम लोग सबको डील कर रहे थे, काउंसलर कहते हैं ना, काउंसलिंग कर रहे थे। तो उन्होंने फिर तफसील बताई कि ये क्या है और कैसे होगा। फिर मेरे ध्यान में अच्छा चलो अगर है तो इसको बोलूँगी कि ये होस्ट बने, अच्छी सी होस्ट, जैसे खुशबख्श शुजात हैं, मेहताब राष्ट्रीय होती थी, इस तरह के लोग थे। तो मैंने कहा चलो उस तरह के इंटरव्यू और होस्टिंग करेगी तो अच्छा लगेगा, सब इतने बड़े बड़े नाम अम्मी लेके। तो मैंने कहा कि चलो बेहतर है कि उस तरह के कोई अच्छी सी होस्ट बन जाए। और फिर आपने ये नियत करके मुझे नैपा में डाल दिया, मगर उन्होंने मुझे यकीन नहीं दिलाया कि मैं जो चाह रही हूँ वो होगा। उन्होंने क्या कहा? असल में पहले उन्होंने कहा था ये 2 साल का प्रोग्राम होगा, जो बच्चे जॉब करते हैं या जो क्लास लेते हैं शाम की इवनिंग क्लास वो भी आके करेंगे। तो मैंने कैलकुलेट किया, मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो रूसा का तो लगभग 1 साल हो ही जाएगा, तो मैं एग्री कर गई। तो फिर वो 3 साल का हो गया। तो इस तरह मैं आ गई नैपा, नैपा से मैं आ गई टीवी पे, टीवी से मैं आ गई हूँ अब यूट्यूब पे। सो नाउ कमिंग टू माई सेकेंड क्वेश्चन, उर्दू। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपको पता है ना मेरा यूट्यूब चैनल है, देखा है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। कितनी वीडियोज देखी हैं? तकरीबन सभी देखी है। आपके भी, आपकी फेवरेट कौन सी है? पूरा फेवरेट तो नहीं है। नहीं मतलब कोई कौन सी आपको कॉन्सेप्ट या कोई आइडिया या क्या? हमजा का रमज़ान की तैयारी एक अच्छा कॉन्सेप्ट लगा कि इंसान अपने बच्चे को किस तरह तरबियत करे बचपन से, उस बच्चे के लिए रमज़ान का लफ्ज पहली दफ़ा। तुमने ये अच्छा किया कि उसको लेके उसकी शॉपिंग कराए, उसके बारे में कमरा उसका ठीक किया और सब चीज़ अफ्तार। आपको लगता है हमजा ने इन्जॉय किया होगा वो एपिसोड? अपनी उम्र के हिसाब से किया होगा, वो मेरे हिसाब से तो नहीं करेगा ना। हमजा और हमजा के दोस्त, दे लव द वीडियो। हाँ। हमजा मैं और देखते रहते हैं, वो तो एक अच्छी सी यादगार होगी कि जब मुझे, हाँ। मैं इमेजिन करती हूँ जब हमजा, जब मैं बूढ़ी होंगी और हमजा मेरे साथ बैठा होगा, मेरे प्यारे प्यारे से मरीना खान की तरह ग्रे बाल होंगे या कुछ होगा, या यू नो ग्रेसफुल सी मैं बूढ़ी होंगी, तो हमजा और मैं ना वो देख रहे होंगे। जैसे नॉर्मली फिल्मों में होता है ना कि वो लोग अपने पुराने फैमिली एल्बम्स निकालते हैं और फिर उसमें सारे दे गो बैक देयर मेमोरी, तो वी विल बी, आवर जनरेशन विल बी गोइंग बैक थ्रू द वीडियोस एंड पिक्चर्स एंड स्टफ थ्रू आवर फोन। बाद में ये हमजा के दोस्त कहाँ कहाँ चले जाएंगे, कितने मजे के, किस फील्ड में जाएंगे, तो वो हम लोग बैठ के वो देख रहे होंगे और हम लोग वो ये यादें मेरी जमा हो रही होंगी। और मैं आपके साथ की जो आज ये वीडियो कर रही हूँ जिसमें मेरा, आई वॉन्ट टू सेव दिस फॉर एवर एंड वॉट ब्यूटिफुल वे, इंशाल्लाह। सवाल तो इतने पूछने के लिए, लेकिन कैसे पूछूं, किस तरीके से पूछूं और किस तरीके से मैं आपको ये बात, थोड़े दिन बाद एक वीडियो बना है ना, मैं कह रही हूँ एक पूरी सीरीज करते हैं मम्मा और बेटा की, बस आई थिंक यू कैन डू दैट। तो मेरा सवाल आपसे ये था मम्मा कि आपका रिश्ता आपकी मम्मा के साथ कैसा था? देखो
हमारे ज़माने में हमारी नस्लें इसकी गवाही देंगी कि हम बहुत ज़्यादा अपने माँ बाप से शोखियाँ नहीं करते थे, हंसना बोलना सब चीज़ तगाना बजाना सब था। आपके घर में था या सब घर में था? लोग तो अपने बाप वालिद से डर जाते थे, घर में आए सन्नाटा छा के, हमारे यहाँ ऐसा नहीं था। नाना जान तो चिल आदमी थे, मुझे आई रिमेम्बर, माशाल्लाह वो तो बड़े। नहीं नहीं, ऐसा हमारे माहौल में कुछ नहीं था। और अम्मा से भी ठीक ठाक ही बात थी, लेकिन बहुत सी बातें हम चाहते हुए भी नहीं पूछ सकते थे, एक पर्दा था। चाहते हुए भी उस ज़माने में ऐसा खुला डुल्ला माहौल भी नहीं था। लेकिन जब तुम लोग बड़े हुए, फिर मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे तो इतना तुम लोग को स्पेस देना है कि तुम हर सवाल मुझसे करो, हर तरह का की बातें करो, बेटे को भी बेटी को भी। मैं नहीं करूँगी तो ये जाके कुछ ही गलत लोगों से अपना शेयर करेंगी, अपने मसले मसाइल। आपने हमें बाबा से भी नहीं डराया कभी? हमारे वालिद भी माशाल्लाह माशाल्लाह मरूम बहुत ही लाइवली थे। हमने आपस में कह दिया था बच्चों से हमें, वो तो अपने अब्बा से बहुत डरते थे, उनके अब्बा आते थे सारे बच्चे तितर बितर, 10-12 बच्चे। 10-12 बच्चे पापा के कितने? नहीं, 7 बहनें थी और 2 भाई। 2 भाई ना, 9 लोग थे। तो वो लोग इधर उधर छुप जाते थे, कोई सो गया कोई कुछ किया, ये सब था हमारे यहाँ, ये सब था ही नहीं। मगर मैंने सोचा कि हमें तो ऐसा माहौल करना ही नहीं है कि बाप आए और बच्चा छुप जाए, तो हमने नहीं रखा। सब बातें करते थे मशवरा, लेकिन ये कि उतना खुला डुल्ला माहौल नहीं था ना, हम इतने खुले डुल्ले माहौल में रहे हुए थे। हमारे ज़माने में तो लड़कियों से बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप के भी खिलाफ थे कि बहुत ज़्यादा नहीं जाना किसी के यहाँ। नाइट स्टेज वगैरह तो होते ही नहीं होंगे उस ज़माने में, यहाँ तो अब आजकल है ना कि नाइट स्टे के लिए जा रहे हैं दोस्त के घर, यहाँ नाइट स्पेंड कर रहे हैं। मैंने कितने स्पेंड किए नाइट्स, सवाल ही नहीं पैदा होता है। अब एक और सवाल जो है, मुझे कभी कभी तो मुझे लगता है कि आप लोग समझते हैं कि आई एम जस्ट इंटरव्यूइंग माई मदर, समबडी जो जिसने कभी जॉब नहीं की, कभी उस तरह से नहीं किया सब कुछ, बट शी हैज़ डन अ लॉट इन हर लाइफ। और एक चीज़ जो सबसे मेरा फेवरेट चीज़ है जो आपने किया, कि आपने काफ़ी हद तक दुनिया देख ली। फॉरेनर लोग हैं भाई आप लोग, बड़े बड़े लोग हैं, कभी इंडिया, कभी पाकिस्तान, कभी ईस्ट पाकिस्तान, कभी सऊदी अरेबिया, कभी यूए, वाह वाह वाह, क्या ज़िंदगी है आपकी। क्यों? बस ज़िंदगी ने मौका दिया, कर लिया, उसमें हमने कोई एफर्ट नहीं किया। जाना बहुत जगह जाते थे, नहीं जा सके किसी वजह से कुछ। आप पैदा कहाँ हुई थी? कलकत्ता। कलकत्ता। हमारे जो दादा थे मरहूम, वो शास्त्रा में एक जगह है जहाँ अब उसको उन्होंने सासाराम कर दिया है, शास्त्राम, और वो जगह है जहाँ शेर शाह सूरी की जागीर है, वहाँ के रहने वाले थे हमारे वालिद। तो हमारे जो दादा थे वो बहुत छोटी उम्र में वो वहाँ से चले गए बर्मा और कहाँ कहाँ अपने काम के सिलसिले में, फिर वो कलकत्ता आ गए। कलकत्ता आए, वहाँ उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया। ज़माने में तो बिल्कुल छोटे छोटे लोग होते, मतलब एजेस में शादी होती होगी। हाँ, मेरी वालदा, मुझे नानी याद है कि वो इतनी टीप कोई बूढ़ी नहीं थी जैसे नानियाँ होती हैं। नहीं, मेरी वालदा को मेरे दादा आते थे मेरे नाना के पास किसी काम के सिलसिले में, तो मेरी वालदा थी छोटी सी, वो भाग के पवी पानी पिला रही हैं कभी कुछ कुछ, तो मेरे दादा ने उनको पसंद किया मेरे वालिद के लिए, उनका बड़े बेटे थे, तो नाना से बात किए तो नाना भी एग्री कर गए। तो हमारी अम्मा की 10 साल की उम्र में मंगनी हो गई। वाओ, उस जमाने में ऐसे ही होता, तो वो तो फिर भी 10 साल की थी, तो खैर, और फिर 12 साल की उम्र में उनकी रुखसती हो गई। फिर आई थॉट कि 20 साल में रुखसती हुई होगी, चलो मंगनी तो लड़की हमारी हुई पक्की, उसको पढ़ाएंगे पकाएंगे बड़ा करेंगे फिर करेंगे। उस ज़माने में लोग मदरसे में पढ़ लेते, मेरी वालदा भी मदरसे में पढ़ी, कुरान उर्दू वगैरह मदरसे में पढ़ी, फिर एक हद होती है अब लड़की को, भाई बड़ी हो गई उसको पर्दा कराओ ये वो। तो खैर अम्मा की रुखसती हो गई, अम्मा
मेरे वाले मेरे नाना टेहरी ओन सोन में रहते थे जो सासाराम से थोड़ा फासले पे था। फिर अम्मा को रुख्सत होके सासाराम जाना पड़ा और बस। ठीक है मामा, तो फिर आप इंडिया से फिर ईस्ट पाकिस्तान, उसके बाद पाकिस्तान आप आ गए, हम सऊदी अरेबिया गए चले गए, फिर हम वापस पाकिस्तान आ गए, पाकिस्तान आ गए नापा भी भेज दिया, सब कुछ हो गया और अब मैं यहाँ आपके सामने बैठी हूँ। तो अब आप मुझे बताएं, 15 साल से कर रही हूँ ये काम, आपको मेरा कौन सा ड्रामा सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? एक तो वो जो है तुम्हारा डोडाली की आएगी बारात वाला है, वो भी सिलसिला अच्छा था, और वो चल छुट्टी भी अच्छा था। और अब लास्ट आप कौन सा आपने देखा था मेरा जो आपको अच्छा लगा है, लास्ट वाला? हाँ कुछ कहीं भी अच्छा ही चल रहा है। अच्छा एक चीज़ जो मैं चाहती हूँ, आपने मेरी चिया पुडिंग वाली एपिसोड देखी? आपने मेरे चने वाला एपिसोड देखा, होमस वाला भी देखा, आपने शीर खोरमा भी देखा, तो दुनिया को तो लगता है कि मैं ठीक कमा मतलब ठीक पका रही हूँ, ठीक कमा भी रही हूँ, ठीक पका भी रही हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। तो सवाल ये है कि क्या आपको याद है द फर्स्ट डिश दैट आई एवर मेड, व्हाट वाज इट, और आपको कैसी लगी, और आपकी फेवरेट डिश जो मैंने बनाई हो कभी अगर तो वो क्या है? सबसे अच्छी जो चीज़ बनाती थी परफेक्ट रोटी है। हाँ रोटी एकदम फूली हुई गोल पतली रोटी अच्छी होती थी। और जब तुम स्कूल से आती थी सनपैट से, जी मम्मा, फिर रमज़ान के दिन होते थे तो आते आते तुम चूँकि डे शिफ्ट में थी तो शाम हो जाती थी, तो तुम कहती थी जितनी भी शाम हो जाए पकौड़े तो मैं ही तलूँगी। मैं सब भूल तो मैं सारा कुछ करके पकौड़ों को का तेल गरम रख के सारी चीज़ें रख के और तुम आती थी हाथ धोया लग गई पकौड़ों में। वो मेरा हाथ डालना चाहता तभी तो वो इतने जायकेदार बने थे ना। हाँ बेसिकली हाथ का जायका भी है वो भी अच्छा बनता था तुमसे, मगर सारा बैटर वैटर मैं बनाती थी। अब तुम बना रही हो। मेरा रिश्ता किचन के साथ रसोई घर के साथ कैसा है आप प्लीज बताएं, हमारे ऑडियंस को इनलाइटन करें आप। नहीं नहीं बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैंने सर तोड़ कोशिश कर ली कि तुमको मैं परफेक्ट कर दूँ कपड़े सिलने में। मैंने सारी ज़िंदगी अपने और तुम्हारे कपड़े सिए हैं, तो मेरे कपड़े पहन के नेपा भी जाती थी, टीवी के शूट पे भी जाती थी, लेकिन जब से टीवी की शूट जब से मैंने होश संभाला है इसे लेके, जब से मैं बल्कि जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से मामा इज स्टिचिंग माई क्लोथ। मैं जब पैदा नहीं हुई थी तो मामा पूरी फैमिली में अपने ससुराल के बच्चे मैके के बच्चे सबके लिए मामा कर रही होती थी, फिर जब हम तीनों पीसेस पैदा हुए तो मम्मी ने कहा आओ भाई सारा अपना टैलेंट जो है ना वो इन तीनों पे, तो हम तीनों मैनिक्विंस थे मम्मा आपकी। आपने क्या रमीज की शलवार कमीजें सी, आपने पैंट सी है यार, लड़कों के पैंट्स तक सी हैं आपने। मेरी दोस्तें कहती थी लड़कियों के कपड़े तो लोग सीते हैं तुम लड़कों के कपड़े कैसे सी। और आपने सीखा एज सच उस तरह से नहीं प्रोफेशनली, देख के समझ जाती थी आ जाता था कर लेती थी। तो ये जो स्टिचिंग आप करती है इसको क्या कहेंगे, ये मजबूरी था ये मजा था ये? बे इंतहा शौक, ये बे इंतहा शौक। दैट इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन। खाना बनाना बे इंतहा शौक, मुझे दुनिया की हर चीज सीखने का शौक था, लेकिन वो नहीं पूरा नहीं सीख सकी, लेकिन मैं जो सीखती थी उस पर एकदम परफेक्ट कर लेती थी और मुझे अपनी गलतियाँ भी बर्दाश्त नहीं। नहीं मैं इस बात की तो गवाह हूँ, तो मम्मा को तो अपनी गलतियाँ बर्दाश्त नहीं, इससे पहले कि हम कुछ कहें, इवन विद दिस निटिंग एज वेल, मतलब ये कभी कभी इतने कॉम्प्लेक्स किस्म के नॉट्स वो निटिंग करती हैं और फिर वो सर पकड़ के भी बैठती है, और अब मम्मा इतनी टेक्नो है। इस बॉर्डर को मैंने 6 से 7 दफ़ा खुला है फिर बिना है, लेकिन अब भी मुझे ये थोड़ा मुझे लग रहा है कि आप ज़्यादा उतनी वो नहीं है। हाँ। जो कुछ दिनों बाद शायद खुल के दोबारा बन भी रहा हो कुछ नहीं पता, बिकॉज परफेक्शनिस्ट का मसला ही है। मैं चाह रही हूँ कि आप ही कहें कि मुझे कौन सी जबान सही आती है, उर्दू या अंग्रेज़ी? उर्दू आती है लेकिन उससे ज़्यादा रवानी से तो तुम इंग्लिश बोलती हो। अम्मी मेरी उर्दू से बहुत परेशान है, शी इज़ बीइंग मॉडेस्ट एक्चुअली। ख़वातीनों हज़रात, लिटरली जब मैंने कहा ना हाई वेलकम आई एम उरूसा सिद्दीकी एंड दिस इज़ आई एम US आई एम उरूसा सिद्दीकी का चैनल, तो अम्मी वहाँ से बोली तुम अपना नाम भी ठीक तरीके से नहीं बोल सकती, उरूसा सिद्दीकी। तो जब मैं नॉर्मली कॉन्शियसली मैं किसी को अपना नाम बताती हूँ तो मैं हमेशा बोलती हूँ उरूसा सिद्दीकी, लेकिन तुम आज ना काफ जो है ना वो बिल्कुल ही आउट था मम्मी के सामने भी, तो शीन काफ आउट होता रहेगा। ज़या मोहिद्दीन मरहूम की शागिर्द, उन्होंने तुम्हें नेपाल में क्या झाड़ा था एक दफ़ा जब तुम शीर ख्वार बच्चे को
शीर ख्वार बच्चे को मैं ख्वा मा ख्वा तंग कर रही थी। नहीं, तुम कह रहे थे शेर ख्वार बच्चा। हाँ, शेर ख्वार बच्चे को मैं ख्वा मा ख्वा तंग कर रही थी, ये कहा था मैंने। हाँ, और मैंने कहा ख्वा मा ख्वा, मैंने मम्मा पढ़ा, ज़िया साहब सामने में स्क्रिप्ट पढ़ी और मैंने बोला कि फला 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 ख्वा मा ख्वा ये हो गया फला, ख्वा मा ख्वा, ख्वा मा ख्वा, मतलब ही वाज, उनको बस यही हो रहा था कि ये कैसे कोई होश में इतनी बड़ी होके ये लफ्ज़ को ऐसे बोलेगी। अच्छा, मेरा अगला सवाल, आपको पता है ना कि मैंने थोड़ा सा वज़न कम किया है, थोड़ा सा, एक टोसा, एक टोसा, तो कैसा महसूस कर रही हैं आप? बल्कि इससे पहले ये सवाल भी ज़्यादा अच्छा है कि आपको क्या याद है कि मैंने वज़न किस एज में बढ़ाना शुरू किया और फिर मैंने कब कम किया? तो बचपन से ही ऐसे गोपलू थी, तो मगर इतना ज़्यादा नहीं था। मैंने जब देखा तो मैंने कहा उसको तो उसको कंट्रोल करना चाहिए। तो मैंने किस एज से आपको लग रहा था कि इसका वज़न ज़्यादा हो रहा है और मतलब ऐसा हो रहा है कि कंट्रोल करना पड़ेगा? तीनों भाई बहन मेरे हाथों में रहे कि मेरे जो मैं खाना खिलाती थी वो खाते थे, चाहे घर में हो चाहे ऑफिस में हो। फिर ये हुआ कि तुम लोग कमाने लगे और तुम्हारे हाथों में पैसे आने लगे। इस पे ना अम्मी से ना, वो घर में वो जो लोग होते हैं ना, वो पता नहीं कौन से लोग होते हैं जो बच्चे नाराज़ होते हैं, कहते हैं मैं नहीं खाना खाऊंगा, और नाराज़गी होती है कि नहीं करूंगा और मैं ये वाला खाना ही नहीं खाऊंगा, तो अम्मी हमेशा इसका अम्मी का जवाब देता मत खाओ, नहीं खाओ, उठा ली प्लेट फ्रिज में रख दी, पूछा भी नहीं दोबारा कि खाओगे कि नहीं खाओगे। है तो यही खाना है। हाँ, और बनाती हमेशा सब्जी, ऐसा नहीं सिर्फ फ्राइडे को बिरयानी बनती, चिकन बिरयानी, वो भी अब मुझे नहीं पता चलता। इस्लामाबाद से सितारा की एक फूफी हैं, उन्होंने कचरार की कली और मूंगरे मुझे भेजे, तो वो ये वो मूंगरा था। बांग्लादेश से आ रहे होते पटल खेक से, तो फलां जगह से आ, मतलब अम्मी की उन्होंने सब्जियों का पूरा स्टॉक, मम्मा का जो होता है ना, मम्मा का पैलेट इज़ ब्यूटीफुल माशाल्लाह, और उतना ही बुरा पैलेट मेरा है। तुम लोगों ने अपना कमाना और पैसा लेना शुरू किया और वो एक मनहूस चीज़ है ना, जो कोल्ड ड्रिंक जो बिल्कुल जहर है इंसानी सेहत के लिए, वो बहुत तादाद में पीना शुरू कर दिया। अच्छा, तो मामा फिर आप ज़रा शेयर तो करें, बताएं तो ज़रा कि आपने मुझे किस किस तरीके से वज़न कम करने में आपने क्या क्या जतन किए। बहुत छोटी थी, मैं तुम्हें स्किपिंग रोप ला के दी कि तुम इसे कूदो दिन में कई सौ दफ़ा। 500 स्किप्स इन द मॉर्निंग, दैट्स व्हाट आई हैव डन, आपने कराए। तुम करती अगर स्किपिंग रोप आराम से 100, 200, 300, हम लोग तो करते थे। बहुत लंबी एक रोप होती थी, दो साइड से लड़कियां पकड़ती थी और हम लोग करते, हाँ। बार बार आते थे निकलते थे, वो हम हमारा मशगला था उस ज़माने में। आजकल के जैसा अजीब जहरीला खेल नहीं थे कि बच्चों को तबाह कर दें। मैं तो वो भी खेलती थी, वो जो गोलियां होती हैं ना, मार्बल कंचे जिसको कह, वो मैं इतना अच्छा खेलती थी कि लड़के मुझसे डरते थे, नहीं खेलते थे मेरे साथ। फिर मैं कहती अच्छा एक उधार दे दो, जिसने उधार दी उसके सारे कंचे मैं जीत के ले आती थी। फिर कोई मुझे उधार देता भी नहीं था, तो इसको मत दो ये हम ही से लेती, हमें लूट लेती। सो मेरी बेस्ट आदत बताएं और मेरी वर्स्ट आदत बताएं। अच्छा, मेरे ख्याल से ना पहले वर्स्ट आदत बताएं और फिर बेस्ट आदत बताएं। वर्स्ट आदत तुम्हारी ये है कि तुम एक चीज़ पर तवज्जो फोकस नहीं करती हो, थोड़े देर बाद तुम्हारा दिल हट जाता है इधर उधर, वो छोड़ छोड़ के तुम इधर उधर हो जाती हो, तो वो तवज्जो नहीं है तुम्हारी, तुम लापरवाह थोड़ी बहुत हो, केयरलेस जो के है। और अच्छी आदत में ये है कि तुम तबीयत नेक हो, पुरखलूस हो, दूसरे की मदद करने वाली हो, उस चक्कर में तुम्हें चपते भी पड़ती हैं, कोई आया इधर से चपत लगा के गुजर गया, कोई आया उधर से चपत, और तुम्हें अंदाजा नहीं होता, होता भी है तो तुम क्या करते हो। मम्मा अभी भी नहीं अंदाजा, और अभी कुछ ही दिन पहले किसी ने चपत लगाई मेरी अम्मा, मैं बताऊं तो आप चमार। मैं भी बहुत धोखा खा चुकी उसी तबीयत की वजह से, मेरा दिल चाहता है मैं हर की मदद करूं, हर के काम आऊं, और जब मुझे धोखा मिलता है तो मैं दिल में बहुत सदमा होता है, मैं आइंदा नहीं करूँगी। फिर कोई आ जाता है रोनी शक्ल बना के, फिर मैं हाथ झाड़ के फिर, क्योंकि मम्मा आप जो मुझे समझ में आता कि आपको उनका दर्द किसी तरह से, माशाल्लाह यू आर ब्लेस्ड कि आपको उनका दर्द थोड़ा सा फील होता है और आपको एहसास है,
बहुत लोगों को एहसास नहीं होता, बहुत लोगों को एहसास होता है, बट मेरी ज़िंदगी में, मेरी पर्सनैलिटी में जो ये एहसास है लोगों की हेल्प करने का, वो आपसे और पापा से आया है. माई पेरेंट्स, मैं आपको सीरियसली बताऊँ, मामा और पापा दोनों, मैंने जब से मैंने होश संभाला है, मैंने देखा इन लोगों को किसी ना किसी की, किसी ना किसी तरीके से कोई मदद कर रहे हैं. फाइनेंशियली होता है फाइनेंशियली करते हैं, फिजिकली अगर वहाँ मौजूद हो ना फिजिकली मौजूद हो, नहीं कुछ हो पाता कहते हैं. आप कॉन्टैक्ट करती थी लोगों को, कहते हैं, बोलती हैं आप अच्छी उर्दू फारसी में, दामे दरमे सुखने, किसी तरह से आप सपोर्ट कर सकते. तीन तरह से इंसान दामे दरमे सुखने कर लेता है, लेकिन फिर कोई नया आ जाता है मुँह बसोरे, फिर मैं छोड़ छाड़ के उसको बोलती हूँ, उसके इसका क्या कसूर है, मैं इसको मदद ना करूँ. अल्लाह की नेकियां कबूल करे. मेरी अल्लाह से हमेशा ये ख्वाहिश रही, दुआ कि अल्लाह मुझे इतना दे इतना दे इतना दे कि कभी मैं किसी को मना ना करूँ. हाँ, मेरी यही दुआ है कि ना मैं बस अल्लाह में, हम सबको अल्लाह में इतना नवाज दे कि हमारे पास, लेकिन वो मेरी ख्वाहिश अपनी फितरत के मुताबिक देने वाली ख्वाहिश पूरी नहीं होती है. अल्लाह जितना भी देती हूँ वो अल्लाह के ही करम है, उसी की नवाजिश है, लेकिन मैं बस चाहती हूँ कि बहुत ज़्यादा करूँ कि घर को माफ कर रहे हो, अल्लाह कबूल करे. हमारा मेरा रब तो ऐसा है कि वो एक पत्थर भी अगर आपने साइड से हटा दिया ना, हाँ, तो उसने सब हाँ, सब माफ़ कर देना है. हाँ, मेरा रब तो वो है. एक बात मैं बताऊँगी, क्या हमारे साथ धोखा हुआ था. मैं बैठी हुई थी घर पे और फ़ोन आता है मेरे पास. एक आदमी बहुत परेशान था, एक पीछे से लड़की रो रही थी, इतना रो रही थी. वो आदमी कहने लगा, देखिए मैं फ़लाँ हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मेरा नाम फ़लाँ फ़लाँ, और बहुत दूर कहीं वो जो क्या है सुपर हाईवे पे जो गेट है, क्या नाम है, चेक पोस्ट के भी बहुत आगे. तो उसने कहा, ये आपके यहाँ काम कर चुकी थी और आपकी मासी थी, और ये बहुत बुरी तरह चल गई है, सिलेंडर फट गया है. कौन? और वो चल गई है बुरी तरह. देखें उसकी रोने की आवाज़ आ रही, आप कुछ भी हो सकता है उसकी मदद करें. मुझे याद ही नहीं है जो उसने नाम बताया, मुझे याद नहीं आई, मगर फिर भी मैंने कहा अच्छा बता दें नंबर वंबर. फिर जब पापा घर में आए, मैंने कहा कि ऐसा सा मेरे पास एक फ़ोन आया है, वो आदमी ऐसी ऐसी बातें कर रहा है कि हमारे यहाँ कोई थी और वो बुरी तरह जल गई है, अब किसी बहुत ज़रूरी है उसके लिए. तो उन्होंने कहा अच्छा चलो हम दे देते हैं. हमने उसको 10,000 उस जमाने में, आज से कोई 10-15 साल पुरानी बात है, 10,000 रुपये दे दिए. और पता नहीं पापा ने किसी के ज़रिए उसको भिजवा दिया, अपने ऑफिस के एम्प्लॉय के ज़रिए. फिर एक दिन फ़ोन आया कि और ऐसा है ऐसा, फिर वो पैसे का मुतालबा किया. पापा को डाउट हुआ, उन्होंने पूछा कहाँ है, कहाँ आपको दूँ. तो उसने कोई उस जगह जहाँ टावर के पास उसने बताया, आप यहाँ आइए और मैं फलाने जगह आऊँगा, आप दे दीजिए. पापा गए और वो आदमी को ढूँढा और पूछा, लेकिन वो आदमी देख के पापा को किसी तरह उनके सवाल करने से भाग गया. वो भाग गया. पापा ने इतने केसेस कर कराए, फ्रॉड था, बेदहा फ्रॉड था. और हमारा दिल बहुत दुखा कि इस तरह भी लोग करते हैं. मेरी बच्ची, दुनिया बड़ी जालिम है, तुम्हें क्या पता, निकलो बाहर. क्या क्या कर लेगा वो 10,000 से या कुछ और से, कर ले. अल्लाह उसे हिदायत दे, अल्लाह हमें हिदायत दे. सो दिस वाज ऑन दैट नोट कि हमें थोड़ा सा मोहतात तो होना है, लेकिन कोशिश जारी रखनी है. आई वॉन्ट टू वाइंड अप माई इंटरव्यू, बट इसमें कुछ सवाल हैं जो इंटरनेट में नॉर्मली पूछे गए थे अलग प्लेटफॉर्म्स में, तो वो हमने आपसे पूछने. तो हम मिलते हैं कट के बाद. एनीवेज, सो सवाल पूछे जाएंगे और हम एक दूसरे के बारे में जवाब देंगे, और उसके बाद डिसाइड होगा कि कौन किसको कितना जानता है. अल्लाह की इतनी बड़ी कुदरत है, अल्लाह ने ढेरों नेमतें दी, उसमें से मैं कैसे. अम्मी ने कभी डिश फेवरेट नहीं बनानी, ना अम्मी ने कभी बताना अपना फेवरेट बच्चा, लेकिन कहेंगे सब बराबर है. तो मम्मी ने, अम्मी पहुंचती नहीं, अम्मी कहती सारे ऑप्शन ओपन रखो. दिलीप कुमार भी हैं, वो तो मास्टरपीस है. दिलीप कुमार थे, मेरा अल्लाह मगफरत करे. आमीन सुम्मा आमीन. सो मामा, मेरा बताएं, मेरे फेवरेट एक्टर मेल. आजकल के वो जो लौंडे लफाड़े नहीं आते,
कौन सा वाला लौंडे की बात कर रही हैं आप? मेरे ख्याल में इसको शाहरुख अच्छा लगता होगा। अम्मी वो लौंडा है, वो शाहरुख खान है। अम्मी दिल तो पागल में कौन एक्टर था? शाहरुख। तो मेरा फेवरेट एक्टर कौन है? शाहरुख। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, जितने सऊदी में देखे हमने वही है सारे एक्चुअली। कंकर? नहीं, वो तो मेरा अपना ड्रामा था जिसमें मैं ना हूँ। वो फेवरेट ड्रामा कौन सा है? सनम बदलो। अच्छा अच्छा, बोल दो बोल दो। मामा मेरा फेवरेट ड्रामा कौन सा है? दुर्रे शहवार जी। मामा की हॉबी इज निटिंग, खाना पकाना। खाना पकाना और दो मैं बताऊंगी, मम्मा को लग रहा आवाज नहीं आ रही। निटिंग, खाना पकाना, सिलाई, थैलियां जमा करना, डब्बे जमा करना, ये दो मामा की फेवरेट हॉबी है। इस बात पे पूरी खानदान जो है ना वो गवाह है। फिर जब मेरे अम्मी खाने मेरे घर आते तो डब्बे इधर आ जाते, फिर मैं वापस नहीं करती। फिर अम्मी कहती है कि तुम्हें खाना है तो थैली में डाल के दूंगी। मैं कहती चल दे दे दीदी, बस खाना ले दे। हाँ मामा, मेरी क्या हॉबीज है? जब ये नेपा गई थी तो कुछ महीने बाद कहने लगी कि हमारी कथक की भी क्लास होती है और मैं सीखूंगी, तो हमने मना कर दिया कि नहीं, कोई डांस वांस नहीं कर रहा है, और फिर बाद में बोलेंगे कि स्टेज पे परफॉर्म करो। नहीं, बिल्कुल नहीं। नेपा गए थे, होस्ट बनना था, मैं अपने हिसाब से डांस सीखूंगी, तो होस्ट डांस। नेपा ने कहा तुम लोग सबके ख्वाब साइड पे, तुम्हें बनाऊंगा मैं एक्टर। मैंने कहा व्हाट, एक्टर मी? एक वर्ड में पुरखलूस है, पुरखलूस है, और बेवकूफ़ी की हद तक पुरखलूस। एक वर्ड से ज़्यादा हो गया? नहीं, उसी को मैंने बेवकूफ़ी की हद तक पुरखलूस है। भाई ये जो हमने बहुत देर से मेहनत करी है, खासकर मैंने, लोग की तो आदत है। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ये करना है तो समझूंगी कि मेरी मेहनत वसूल हो गई है। मम्मी की कुर्बानी, मम्मी की जो सूजन है। क्योंकि मैं बहुत से लोगों को बगैर जाने पूछे मैं देखती हूँ कि इसने ये वीडियो कितनी मेहनत से बनाया है, तो मैं लाइक कर देती हूँ, उसको शेयर कर देती हूँ कि ये मैं नहीं जानती वो कौन है क्या है। इट्स द कंटेंट, क्योंकि उसकी बड़ी मेहनत लगी है, बहुत एफर्ट। मम्मा मेरी बहुत मेहनत लगी है, दिन रात में लगी रहती हूँ। सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। See you in the next video.